बेस्ट लैपटॉप फॉर ट्रैवलिंग के लिए। तो भाई अगर आपका काम ऐसा है अगर आप ज़्यादा ही ट्रैवलिंग करते हो तो यार ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप और मत करना। स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 2 लाख हो जाता है, हम इस बजट रेंज की बात करेंगे। एंड अगर आपका बजट 90,000 से कम है, यार मैंने पहले ही उसकी वीडियो की है, उसको चाउड कर लेना, आपके बहुत काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। यार अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में मैंने रखा है सूस रॉक जैबरस G14 को। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2020 में बहुत बिका है, बहुत पसंद किया लोगों ने एंड बहुत ज़्यादा सेल हुआ, ठीक है। तो अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप जा सकते हो। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि 2021 में इसका एक अपग्रेड वर्जन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Ryzen 9 देखने को मिलेगा। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको 3000 सीरीज़ की ओर से ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत तगड़े होने वाले हैं। अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 120 रिफ्रेश के साथ डिस्प्ले देखने को जाती है। तो भाई अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, अगर आपको एक स्टाइलिश लैपटॉप भी चाहिए, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस इसकी बैक साइड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो यार अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, उसके साथ साथ अगर आप फोटो रील्स बनाने के, या अगर आपने यूट्यूब वीडियोस में अपने लैपटॉप को भी शो करना है, आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। एक बार आप इसको चाउड जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं चाउड किया, ASUS ROG Zephyrus G14 को। अभी बात करते हैं आगे, इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 14-inch फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जो कि आपको 120 रिफ्रेश के साथ देखने को मिलने वाली है। तो यार मैं आपको बता दूं, अगर आपने 2020 वर्जन लेना है, उसमें भी आपको सेम डिस्प्ले मिलेगी जो 2021 में जून जुलाई में ये लैपटॉप आएगा नए वर्जन के साथ, उसमें भी आपको 14-inch की 120 रिफ्रेश के साथ ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूँ, इसमें आपको AMD Ryzen 5 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा। एंड भाई अगर आप इस लैपटॉप को जून जुलाई तक लेते हो तो उसमें आपको AMD Ryzen 9 भी देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, 16GB रैम भी मिल जाएगी, अपग्रेड आप कर सकते हो 32GB तक, प्लस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको RTX ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, प्लस भाई आपको GTX भी मिल जाएगा। उसके बाद भाई अगर आपने 3000 सीरीज़ की ओर जाना है, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 4GB की ओर जाना मिल जाएगा, 6GB की ओर जाना मिल जाएगा, अगर आपने 8GB तक भी जाना है ग्राफिक कार्ड की ओर, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको मिनिमम यार 7 to 8 hours का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप। प्राइस की बात करूँ, 90,000 से स्टार्ट हो जाता है इसका जो बजट रेंज है, वो यार 2 लाख के बजट तक भी चला जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, ASUS ROG Zephyrus G14 के लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर मेरा बजट भी इतना होता, 90,000 से लेकर अगर मेरा बजट 1,10,000 होता, मैं भी भाई इसी लैपटॉप की ओर जाता। तो अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, कार्टून ड्रॉ करनी है, या अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, या अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आज तक का, आप सभी के लिए ये लैपटॉप बहुत गुड डील होने वाला। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,00,000, अगर आपका बजट 1,15,000 हो जाता है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर आपका बजट 1,10,000 से लेकर 1,15,000 हो जाता है, इस बजट रेंज में यार मैंने रखे हैं 2 लैपटॉप। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, सबसे पहले ये 2-in-1 लैपटॉप है, आप इसको एज अ टैब भी यूज कर सकते हो एंड एज अ आप इसको लैपटॉप भी यूज कर सकते हो। इसके स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी एंड आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, 16GB रैम भी मिल जाएगी, 32GB रैम तक भी मिल जाएगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको 16GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको i5 भी मिल जाएगा, i7 भी देखने को मिल जाएगा। तो लैपटॉप पूरा लोडेड है, स्टाइलिश एंड प्रीमियम डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है, लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है, इजी टू कैरी है। तो भाई अगर आप कहीं भी कैरी करके लेकर जाना चाहते हो, आप इजीली नॉर्मली लेकर जा सकते हो, आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो कि यही चीज़ तो चाहिए होती है अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर यार मैंने रखा है HP Spectre X360 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, बहुत क्रिएटर्स इसको पसंद करते हैं, इंटरनेशनल क्रिएटर्स वगैरह बहुत पसंद करते हैं, उसके प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको पसंद करते हैं, बिकॉज आपको अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, प्लस बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ी है एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी ये लैपटॉप आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, उसके बाद ये 360 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है, लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है, प्लस इसके ट्रैक पैड एंड इसका अगर आपने टाइपिंग वगैरह के लिए भी ज़्यादा, अगर आपका कोई काम ऐसा आप ज़्यादा टाइपिंग वगैरह करते हो, आपके लिए भी ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। मैं दिल से आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, एक बार आप चेकआउट कर लेना HP Spectre X360 के।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 के भी, एंड भाई मैंने HP स्पेक्ट्रैक्स 360 के बारे में भी आपको बता दिया। दोनों लैपटॉप बहुत तगड़े हैं, मैं आपको थोड़ा सा डीपली नहीं बता रहा बिकॉज यार वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, सो दैट्स वाई और कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता। वैसे ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा सही है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू कैरी है, एंड भाई अगर आपने हाथ में पकड़े हुए कहीं लेकर जाओगे एंड वो लुक वगैरह भी बहुत ज़्यादा सही देने वाले हैं। दोनों का डिज़ाइन, दोनों के कलर वगैरह बहुत प्रीमियम देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ HP स्पेक्ट्रैक्स 360 की, इसके दो कलर्स देखने को मिलते हैं, दोनों आपको बहुत सूट करेंगे। अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 की, कलर बहुत प्यारे, मैं आपको दिल से रिकमेंड करना चाहता हूँ, दोनों को एक बार आप चेकआउट जरूर करना। आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है, इस बजट रेंज की बात कर लेते हैं, तो भाई अगर आपका बजट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख हो जाता है तो मैं आपको दिल से रिकमेंड करना चाहता हूँ आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है एप्पल मैकबुक प्रो एंड एप्पल मैकबुक 13 दोनों की, जिसकी और भी आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अपने 16 GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है, स्टोरेज जितनी आपको सही लगती है आप उसके और जा सकते हो, ठीक है, एंड प्रोसेसर जो भी आपके काम के अकॉर्डिंग आपको सही लगता है आप उसके और जा सकते हो, बट आपने रैम जो है वो अपने 16 GB रैम की और मिनिमम जाना ही जाना है। आपने कोई भी काम करना है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है एप्पल मैकबुक प्रो एंड एप्पल मैकबुक 13। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको एप्पल मैकबुक 13 एंड एप्पल मैकबुक प्रो के भी बता दिए, तो ज़्यादा मैं आपको डीपली नहीं बता रहा बिकॉज जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा सही है। स्पीकर्स की क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी आपको एप्पल के मैकबुक में ही देखने को मिलती है, एंड ट्रैक पैड की जो क्वालिटी होगी, जब बिल्ड क्वालिटी होगी उसके बाद इसकी जो डिस्प्ले होती है वो बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, आप सभी के लिए बेस्ट है। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एज अ क्रिएटर काम करना चाहते हो, एज अ डेवलपर काम करना चाहते हो, आपके लिए भी ये दोनों लैपटॉप बहुत ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं। तो यार अभी मैंने आपको 5 लैपटॉप बता दिए, इन 5ों में से कोई भी आप लेना चाहते हो आपके लिए गुड डील हो जाएगी, कोई भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा लोडेड मिल जाते हैं। अपने आप पैसे देख लेना, जो स्पेसिफिकेशन चाहिए आप वो भी देख लेना। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अगर मैं रिप्लाई जल्दी नहीं करता मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म, अगर आपको मेरी वीडियो लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे को फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।